नई कलेक्ट्रेट परिसर में 700 साल पुराने कल्पवृक्ष पेड़ के नीचे हनुमान जी एवं शिवलिंग की स्थापित मूर्तियों को एडीएम के आदेश पर मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किए जाने पर शिवसेना संगठन ने आज पुलिस अधीक्षक एवं डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिवसेना जिला प्रमुख दीपक सिंह लोधी ने कहा कि जहां कई वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं सागर में नई कलेक्ट्रेट परिसर में 700 साल पुराने कल्पवृक्ष पेड़ के नीचे हनुमान जी एवं शिवलिंग की मूर्तियों को जिला प्रशासन के आदेश के बाद रात में चोरों की तरह क्षतिग्रस्त करने का घिनौना कृत्य किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं एडीएम की जिहादी मानसिकता उजागर होती है, जो चबूतरा प्रशासन द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है उससे ना तो कहीं आवागमन प्रभावित हो रहा था और ना ही किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश जैन द्वारा मंदिर को तोड़वाने का क्या योजना क्या प्रयोजन था वो समझ से परे है। मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने वाले अधिकारियों पर हिंदू भावनाओं को भड़काने का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। अगर शीघ्र दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती तो इस शिवसेना सड़कों पर उतरने के लिए विवश है। आज हमने कल जो कृत्य हुआ है प्रशासन द्वारा हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ा गया है उसके खिलाफ हमने एसपी और कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि उन अधिकारियों पर जांच की जानी चाहिए जिन्होंने मूर्तियां तोड़ने का कृत्य किया है। अगर उन पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, क्योंकि जहां जो कल्पवृक्ष का पेड़ प्रशासन द्वारा काटा गया था वो 700 साल पुराना है और शिवलिंग मूर्तियों को उन कर्मचारियों द्वारा खंडित किया गया। एक बार भी हिंदू संगठनों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। आज हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन पत्र दिया जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने इस मूर्तियों को खंडित किया है उनकी उन पर हिंदू धर्म को भड़काने का प्रकरण दर्ज किया जाए। अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर बनाया जा रहा है तो पूरा देश हर्ष और उल्लास से खुशी से जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सागर में हिंदू धर्म की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त एवं तोड़ने का कार्य अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। 700 साल पुराना कल्पवृक्ष पेड़ के नीचे जो हनुमान जी और शिवलिंग जी की मूर्ति स्थापित की थी वह जिला प्रशासन के आदेश पर कुछ कर्मचारियों ने रात के अंधेरे में चोरों की तरह उनको क्षतिग्रस्त किया गया, जिसकी पूरा हिंदू समाज निंदा करता है और ऐसे अधिकारियों पर निश्चित ही हिंदू धर्म की आस्थाओं को छेड़ने एवं भड़काने का प्रकरण दर्ज किया जाने चाहिए। अगर प्रकरण दर्ज नहीं होता है तो शिवसेना संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी।